दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि पहले ब्लॉग वीडियो बनाया करते थे, ब्लॉग की बड़ी वीडियो बनाया करते थे, जैसे कि 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट का वो ब्लॉग वीडियो बना करके यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते थे। लेकिन यार वो आज की डेट पर सारे के सारे वो ब्लॉगर मिनी ब्लॉग पर, मतलब ज्यादातर जो ब्लॉगर है जिनके अच्छे व्यूज नहीं आ रहे थे या फिर जिनके अच्छे व्यूज आ भी रहे थे, वो भैया सारे के सारे मिनी ब्लॉग पर शिफ्ट हो गए। मिनी ब्लॉग का मतलब आप लोग अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। मिनी ब्लॉग का मतलब होता है छोटा ब्लॉग, छोटा का मतलब शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट वीडियो का आपका लेंथ आपको पता है 60 सेकंड का होता है। तो वो अपने ब्लॉग मिनी ब्लॉग बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि ये चीज आप भी अच्छे से जानते हो, मैं भी अच्छे से जानता हूं और उनको भी अच्छे से पता है कि आज की डेट में, अभी की डेट में अगर YouTube का सिस्टम देखो तो शॉर्ट्स वीडियो में ज्यादा व्यूज आता है और लॉन्ग वीडियोस में कम व्यूज आता है। अगर आपका नया चैनल है तब तो भैया ये आपके लिए बेस्ट है कि आपका शॉर्ट चैनल जल्दी ग्रो हो सकता है, आपके शॉर्ट वीडियो पर जल्दी वायरल हो सकती है और लॉन्ग वीडियोस पर थोड़ा सा यार टाइम लग जाता है। तो पहले मैं आपको कुछ क्रिएटर की अर्निंग दिखा देता हूं जो कि पहले लॉन्ग वीडियो बनाते थे लेकिन आज मिनी ब्लॉग बना करके कितना अच्छा यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। तो देखो सबसे पहला चैनल है सारांश यूनिवर्स करके, इनके अभी देखो 9 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, बहुत जल्द 1 मिलियन होने वाले हैं। लेकिन इनकी आप अर्निंग देखो तो मंथली एस्टिमेटेड इनकी जो अर्निंग है वो भैया $4800 से लेकर के $7600, जो कि इंडियन करेंसी में आप देख सकते हो, होश उड़ जाएंगे आपके। दूसरा चैनल है यहाँ पर ठाकुर ब्लॉग्स करके, इन भाई का यहाँ पर सब्सक्राइबर आप देखो 2 से 2.5 लाख सब्सक्राइबर ही हुआ है, लेकिन इनकी अर्निंग भी आप मंथली एस्टिमेटेड देख सकते हो $2400 से लेकर के $3700 इंडियन करेंसी में, देख लो कितना ज़्यादा होता है। और उसके बाद आप सब लोग इनको तो जानते होंगे क्योंकि यार इनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं, मिस होशियार करके, इनके मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ देखा है और इन्हीं को देख के मैंने भी स्टार्ट किया है। तो इनके आप देखो 4.85 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, बहुत जल्द 5 मिलियन होने वाले हैं। तो इनकी एस्टिमेटेड अर्निंग आप देख सकते हो, जान करके हैरान हो जाओगे, $6200 से लेकर के $9900, जो कि आप इंडियन करेंसी में देख लो कितना ज्यादा होता है। तो ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि आज की डेट में मिनी ब्लॉग बना करके कितना ज्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं और आप लोग भी पैसा कमा सकते हो। मैंने भी स्टार्ट किया है, मेरा भी बहुत जल्द मोनेटाइज हो जाएगा, इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा कि मिनी ब्लॉग के बारे में हर एक चीज आपको समझा दूंगा। जैसे कि वो चाहे आपका शूट करना हो, शूट करते समय किस तरीके से आपको अपने कैमरे की सेटिंग्स रखना है या फिर किस तरीके से आपको अपने फोन को पकड़ना है, पूरा शूट करने का आपको तरीका बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मिनी ब्लॉग के लिए आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से मिलेंगे, काफी सारे फनी फनी साउंड इफेक्ट आपको कहाँ से मिलेंगे या फिर आपको फनी वाली मीम्स कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे लोग मिनी ब्लॉग में अपने मीम्स यूज करते हैं, साउंड इफेक्ट भी यूज करते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बनता है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वॉइस आपको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है अपने ब्लॉग के लिए, उसको एडिट किस तरीके से करना है, क्योंकि होता क्या है कि यार कुछ लोगों की आवाज जो है वो ज्यादा क्लियर नहीं होती या फिर कई लोगों की आवाज मोटी होती है, कुछ लोगों की पतली होती है, तो उसको नॉर्मल कैसे किया जाता है, कुछ लोगों की धीमी होती है, तेज थोड़ा सा कैसे, लाउडली कैसे किया जाता है, सब कुछ क्लियर मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आपने मुझे आज 10 से 15 मिनट देकर के अपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा तो आज आपको, आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा कि मिनी ब्लॉग कैसे शूट किया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूंगा। और ये मैं इसलिए बताऊंगा क्योंकि यार मैंने खुद बनाना स्टार्ट किया है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद राजपूत, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लाने वाला हूँ। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो आपका मिनी ब्लॉग है उसको यार शूट कैसे करना है। तो शूट करने का देखो, नॉर्मल जो ब्लॉग होता है उससे मिनी ब्लॉग शूट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको पता है जब आप नॉर्मल एक ब्लॉग शूट करते हो तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको साथ में बोलना भी पड़ता है, माइक भी लगाना पड़ता है और उसमें आपको आवाज भी देना पड़ता है। लेकिन इस मिनी ब्लॉग में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कैमरा चालू करके, फोन का कैमरा आपके पास जो भी चीज है, फोन के कैमरे, सिर्फ आपको क्लिप शूट करनी है, ठीक है, 10 सेकंड की, 20 सेकंड की, जहां भी जो चीज कर रहे हो, पूरा दिन का जैसे कि आपको दिनचर्या दिखाना होता है, पूरी अपनी लाइफ स्टाइल दिखानी होती है, तो जो जो चीजें आप कर रहे हो बस आपको कहीं का 10 सेकंड, कहीं 20 सेकंड, कहीं 1 मिनट, इस तरीके से काफी सारी जो भी आपने दिन भर काम किया वो आपको क्लिप शूट कर लेना है। लेकिन यार उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ कि अगर आप फोन से रिकॉर्ड कर रहे हो, फोन से आपको शूट करना है, तो एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कई लोग करते क्या है कि ऐसे अगर उन्होंने रिकॉर्ड किया तो उनका फोन यार हिलता ही रहता है, जैसे आप चल रहे हो रास्ते में फिर रिकॉर्ड करोगे तो हिलता रहेगा, तो फिर वो देखने में मजा नहीं आती। तो उसके लिए कैमरे में आपको एक सेटिंग्स करना होता है, बिल्कुल सिंपल सी सेटिंग होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप अपना कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये फ्रंट कैमरा से आपको कभी भी अपना ब्लॉग शूट नहीं करना, हमेशा आपको ऐसे करके पीछे वाले से शूट करना है। पीछे वाले से शूट करने का ये फायदा होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीज कवर कर पाओगे, और जब आप पीछे वाले की सेटिंग्स करोगे तो यहाँ पर देखो एक आपको ऑप्शन मिलता है
वीडियो सेक्शन में आने के बाद 0.6 का, कुछ लोगों के पास 0.10 का भी मिल सकता है, तो ऐसे आप 0.6 में कर लेना। उसके बाद जब आप इस तरीके से सीन लोगे ना, तो पीछे का ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाता है, और आप थोड़ा बहुत अगर आप दौड़ भी रहे हो ना, तो भाई फोन आपका हिलने वाला नहीं है, वीडियो आपका जिगजैग नहीं करेगा, बिल्कुल स्मूथ आपकी रिकॉर्डिंग होगी, जिससे कि आपका व्लॉग देखने में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनेगा। और जब आप अपना मिनी व्लॉग इस तरीके से शूट करो, तो वहां पर आपको वॉइस देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आवाज आपको बिल्कुल भी नहीं देना, बस आपको थोड़ा सा माइंड में अगर आप सोच पा रहे हो कि यार मुझे यहाँ पे ये चीज बोलना है, तो बस थोड़ा सा आप उसके हिसाब से रिएक्शन अपना दे सकते हो, लेकिन वहां पे आपको वॉइस नहीं देना, विदाउट वॉइस क्लिप ही आपको शूट कर लेना है। तो इस तरीके से आपने जो भी दिन भर किया, ठीक है, उसके बारे में छोटी छोटी क्लिप आपने शूट कर लिया। अब देखो बारी आती है उस जो क्लिप आपने शूट करी है उनको एडिट करने के लिए। एडिट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी एडिटर आप यूज करते हो, चाहे आप काइन मास्टर से एडिट करते हो, चाहे आप पावर डायरेक्टर से एडिट करते हो, वीएन से एडिट करते हो, वीटा एप्लीकेशन से एडिट करते हो, जहां से भी आप एडिट करते हो, मैं तो यार काइन मास्टर मुझे ईजी लगता है, स्टार्टिंग से मैंने वही यूज किया है, तो बाकी तो मैं सबको यूज करता हूँ, लेकिन ज्यादातर मैं काइन मास्टर यूज करता हूँ। तो सबसे पहले जो आपने दिन भर में क्लिप में आपने शूट करी है, काइन मास्टर में जाकर के सारी की सारी क्लिप आपको एक साथ पहले ले लेना है। तो वहां पर आप देखोगे कि आपको तो यार मिनी ब्लॉग बनाना है, आपको तो शॉर्ट वीडियो बनाना है, सिर्फ 60 सेकंड का ही बनाना है, ठीक है, उससे ज्यादा आपको नहीं बनाना है। तो वो तो आपका भैया 4 मिनट 5 मिनट या फिर 10 मिनट का भी हो गया होगा सारी क्लिप सिलेक्ट करने के बाद। तो आपको करना क्या है कि वो जो सारी क्लिप है उनकी सबसे पहले तो आवाज आपको म्यूट कर देना है, क्योंकि वो आवाज तो हमको चाहिए नहीं, बाद में वॉइस ओवर करना, कैसे करना मैं आगे वो भी बताता हूँ। तो वो आवाज पूरी की पूरी आप हर जगह से म्यूट कर देना सारी क्लिप्स की। उसके बाद उन क्लिप्स में आप देखो कि कौन कौन सा जरूरी पार्ट है, थोड़ा सा इस क्लिप का ले लो, थोड़ा सा इस क्लिप का ले लो, मतलब सारी क्लिप्स से थोड़ा थोड़ा निकाल करके आपको 60 सेकंड का एक वीडियो रेडी कर लेना है, उससे ज्यादा नहीं, वरना फिर वो शॉर्ट नहीं माना जाएगा, शॉर्ट फीड में नहीं जाएगा। तो जब आपकी क्लिप कटने के बाद पूरा का 60 सेकंड का आपका वीडियो रेडी हो जाए, अब बारी आती है उस पर वॉइस ओवर करने का, उसकी वॉइस देने के लिए। तो देखो वॉइस देने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं, अगर आपके पास दो फोन है तो आप कैसे उसकी वॉइस रिकॉर्ड करोगे, या फिर कई लोगों के पास यार दो फोन नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही फोन होता है, तो आप अपने मिनी ब्लॉग के लिए किस तरीके से वॉइस ओवर कर सकते हो। तो देखो अगर आपके पास दो फोन है तो आपको करना क्या है कि एक फोन में तो आपका वो वीडियो क्लिप रहेगा जिसमें एडिटर में जो भी आपका वीडियो है वो वीडियो आपको प्ले करना है, और दूसरे वाले फोन में सबके पास यार वैसे तो नॉर्मल वॉइस रिकॉर्डर होता है सबके फोन में, अगर नहीं होता तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना लेक्सिस ऑडियो एडिटर, उससे आप बहुत अच्छी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हो। तो एक फोन में बस आपको अपना चालू कर लेना है वीडियो जो आपने एडिट करा था, और जो जो आपका क्लिप आता जाए उसी के हिसाब से आपको बस बोलते जाना क्या आपने दिन भर में किया, वो चीज तो आपको पता ही होगा, वो खुद तो आप बोल ही लोगे, ठीक है, क्योंकि अकेले में तो कोई भी बोल सकता है, और जो जो आपने किया तो अपने बारे में सब कुछ बता दो, मैंने ये किया, उसके बाद मैंने यहां गया, फिर मैंने ये लिया, फिर मैंने ये खाया, ये सारी कुछ आप वीडियो देखते जाओ, और जो जो आ रहा है उसके बारे में आराम से अपना बोल दो। तो अगर आपके पास दो फोन है इस तरीके से आप अपना वॉइस ओवर कर सकते हो और फिर इसमें लगा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही फोन है तो आप कैसे कर सकते हो, तो यार इसका भी एक तरीका है। अगर आपके पास सिर्फ एक ही फोन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका जिससे भी आपको आवाज रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, वैसे तो सबके पास एक नॉर्मल रिकॉर्डर होता है फोन पर, ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो अगर आपके पास है तो उसको आपको पहले वहां से अपनी आवाज रिकॉर्डिंग चालू कर लेना है। जब आप अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग चालू कर लोगे उसके बाद उसको पूरा कट कर देना, ठीक है, साइड से कट कर देना, और फिर आप जो जहां पर एडिटर पे आपने वो क्लिप एडिट कर रखी है 60 सेकंड की उसको जाकर के प्ले कर लेना है, फिर वो आपका पूरी आवाज पहले आप पूरी उसकी म्यूट कर देना, मतलब आवाज पूरी कम कर देना, फिर वो क्लिप आपकी चलती रहेगी एडिटर में और वॉइस भी आपका रिकॉर्ड हो रहा साथ ही साथ फोन में, तो बस आप अपना माइक वाइक लगा के बोल लो, अगर माइक भी नहीं तो बस थोड़ा सा फोन को पास में कर लो और बस अपना बोल दो। इसका यही फायदा वॉइस ओवर करने में, अगर आपके पास माइक भी नहीं है तो आप फोन का जो यहाँ पर माइक होता है पीछे साइड, तो बस इसको थोड़ा सा पास में कर लो और आराम से यहीं से वॉइस ओवर कर सकते हो। लेकिन हम माइक में थोड़ा सा जो वॉइस होती है तो नॉइस भी नहीं उसमें आती और थोड़ा सा स्मूथ आवाज आती है, क्वालिटी थोड़ा सा इंप्रूव हो जाती है अगर माइक आपके पास है, नहीं भी है फिर भी रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो जो आपने आवाज रिकॉर्ड करी अभी अभी वॉइस किया है तो उसको अगर आप एडिट करना चाहते हो तो वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक एडिटर है, उसका एप्लीकेशन का नाम है लेक्सिस ऑडियो एडिटर, जो कि वहां से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले बताया। तो प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसमें आप इसकी खासियत यार ये होती है कि डायरेक्ट आप वीडियो की वॉइस भी लेकर के इसमें एडिट कर
सकते हो या अपनी नॉर्मल वॉइस भी आप लेकर के एडिट कर सकते हो। तो जो आपने आवाज रिकॉर्ड करी है उसको सबसे पहले यहाँ से ओपन वाले में क्लिक करके आप यहाँ से अपना फाइल मैनेजर जहाँ पर भी आपकी आवाज है वहां से अपनी आवाज सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का, फिर पहला आपको नॉर्मलाइज का ऑप्शन मिलता है तो इस पर आप क्लिक कर दोगे तो इसका ये फायदा होगा कि अगर आपकी आवाज धीमी होगी तो तेज हो जाएगी या फिर अगर तेज होगी तो फिर धीमी हो जाएगी, मतलब नॉर्मल हो जाएगी। अब कुछ लोगों की देखो आवाज यार मोटी होती है, कुछ लोगों की पतली होती है, तो उसको कैसे एडजस्ट करना है तो उसके लिए फिर से आपको वहीं पर जाना है। और एक अगला ऑप्शन होता है आपको इक्वलाइजर करके, इक्वलाइजर में आप जाओगे तो इनको आप अप डाउन करके, देखो मैंने तो अपना कर रखा है लेकिन आप अपने हिसाब से कर लेना क्योंकि सबकी आवाज तो सेम होती नहीं है, सबकी आवाज तो सेम रिकॉर्ड नहीं होती, तो इनको ऊपर नीचे करके प्ले कर करके आप देख लेना कि किस तरीके से आपको कितना मोटी आवाज रखना है, कितना पतली आवाज रखना है, वो चीज आप यहां से कर लेना और बस इसको यहां से आकर के आप सेव कर लेना। लेकिन जब भी आप इसको आवाज को सेव करोगे तो ये आपका जब फाइल मैनेजर में जाएगा तो वैसे तो म्यूजिक वाले फोल्डर में जाता है लेकिन आप देख लेना तो जहां भी जाए तो उस फोल्डर से, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में आपको इसको मूव कर देना है। मूव करने के बाद ये आपको डायरेक्ट आपके जहां पर भी जो भी एडिटर है वहां पर पहुंच जाएगा। तो फिर से हम वापस आते हैं, मैं तो काइनमास्टर का यूज करता हूं, फिर से मैं अपने काइनमास्टर पर आता हूं और यहां पर मैं उस आवाज को सिलेक्ट कर लेता हूं जो मैंने अभी एडिट करी है, जो मैंने वॉइस ओवर किया था। अब इस आवाज को आपको अपने अनुसार जहां जहां भी आपने, जैसे कि कई बार आप थोड़ा सा रुक गए हो तो उसको पार्ट को कट कर देना या फिर जो आपको नहीं बोलना था वो बोल दिया तो उसको कट कर देना, मतलब जो क्लिप के हिसाब से आपको पूरी आवाज कट कट कर करके एडजस्ट कर लेना। ये तो यार सिंपल एडिटिंग है, ये तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा नहीं, ठीक है, ये तो आप कर ही सकते हो आवाज बीच बीच से कट करके, जो जो जहां जहां लगाना है वो आप पूरा एडजस्ट कर लेना। अब देखो इतना करने के बाद अब बात आती है कि आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से मिलेंगे। तो बैकग्राउंड म्यूजिक वैसे तो जो बड़े बड़े ब्लॉगर यूज करते हैं जैसे कि मिस होशियार हो गए और ये आपके सारांश यूनिवर्स हो गए, तो ये लोग जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हैं इसकी वजह से ब्लॉग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है, साउंड इफेक्ट यूज करते हैं, फनी फनी मीम्स यूज करते हैं। तो ये जो सारा का सारा मटेरियल है जो कि मैं अपने ब्लॉग पर मैं खुद यूज करता हूं, ये सब कुछ मैंने आपको टेलीग्राम पर अपने पोस्ट कर दिया है और टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, तो वहां से जाकर के आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है और कॉपीराइट भी आपको नहीं आएगा क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है। तो यार यहां पर जैसे आप देखो मैं कानपुर गया था तो वो वाला आप लोगों ने मिनी ब्लॉग मेरा देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं चैनल का लिंक दे दिया है। तो इस ब्लॉग को मैंने जैसे एडिट किया तो सबसे पहले तो मैंने देखो क्लिप्स ले ली, ठीक है, क्लिप यहां पर मैंने काफी सारी ले ली अपनी, सारी की सारी क्लिप्स थोड़ा थोड़ा मतलब बीच बीच से कट करके और पूरा मैंने 59 सेकंड का रेडी कर लिया था, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो जो मेरी वॉइस थी उस वॉइस को लेकर के और इस तरीके से मतलब हर जगह देखो मेरी वॉइस भी है, ये पूरी की पूरी वॉइस सिलेक्ट है। और इस वॉइस के बाद मैंने क्या किया, ये मेरा देखो यहां पर मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट किया हुआ है और ये बैकग्राउंड म्यूजिक पूरे में है, ठीक है, इस तरीके से ये पूरे में है, हालांकि यहां तक दूसरा है। उसके बाद यहां पर मैंने ट्रैफिक वाला साउंड इफेक्ट लगा दिया था और ये सारे इफेक्ट मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया, डाउनलोड कर लेना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मतलब अपने ब्लॉग के हिसाब से रखता हूं, जैसे कि ट्रैफिक आ गया तो मैं ट्रैफिक वाला साउंड इफेक्ट रखता हूँ। अब जैसे हम लोग इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने वो ट्रेन वाला कुछ सीन था, ट्रेन पे हम लोग जा रहे थे तो ट्रेन का हॉर्न वाले या फिर ट्रेन की जो बैकग्राउंड म्यूजिक होती है वो साउंड इफेक्ट उस तरीके के मैंने वो उसको यूज किया था, तो वो सब मैं आपको टेलीग्राम पर दे दिया हूँ, वहाँ से ले लेना। तो इस तरीके से आपको अपने मिनी ब्लॉग को एडिट करना है, सबसे पहले क्लिप आपको 60 सेकंड तक की रेडी कर लेना है, उसके बाद वॉइस ओवर तो मैंने आपको बता ही दिया, वॉइस को एडिट कैसे करना वो भी आपको बता दिया और इसमें लास्ट में आकर के आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि आपके ब्लॉग में यार आपको लगता है कि कहीं पर मजाक है, कहीं पर जोक आपने मार दिया, तो वहां पर आप थोड़ा सा वो जो मैंने मीम्स दिया है टेलीग्राम पर वो मीम्स भी बीच बीच यूज कर सकते हो। मीम्स यूज करना बिल्कुल आसान है, आपने जैसे मैंने 59 सेकंड का वीडियो रेडी किया है तो आप 50 या फिर 55 सेकंड का कर लेना ताकि आप 2-4 सेकंड बीच बीच में मीम्स भी लगा सको कहीं कहीं, तो ये चीज कर लेना। लेकिन ज्यादा मीम्स लगाने का कोई जरूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से वॉइस उसमें दिया है, अच्छे से आपने शूट किया है तो फिर अच्छा ही आपका वीडियो बना होगा, लोग उसको पसंद करेंगे। तो बस आपका फाइनली बनने के बाद यहां से आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है और जहां पर भी आपको पोस्ट करना है आप इसको यूट्यूब पर भी डालो और सेम टू सेम इसको आप फेसबुक पर भी डालो, क्योंकि यार फेसबुक पर भी बहुत ज्यादा रीच मिलता है, फेसबुक पर भी बहुत ज्यादा व्यूज आता है। तो बस इतना देखो आसान होता है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको समझना होता है कि किस तरीके से करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सा जब आप बनाओगे तो हो सकता है एक दो वीडियो में दिक्कत है,
लेकिन ये बहुत आसान होता है, आराम से आप ये चीज़ बना सकते हो। बाकी अगर कुछ आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर ज़्यादा कुछ आप बातचीत करना चाहते हो, ज़्यादा मुझसे कुछ पूछना है ठीक है, या फिर मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर तो यार बातचीत होती रहती है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया, फॉलो भी कर लेना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लाने वाला हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।